दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली, बिकॉज मेरे पास में है ये, और ये है इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन, ऑल न्यू आईकू 12। तो आज इसी को अनबॉक्स करते हैं और पता लगाते हैं कि आईकू ने आखिर क्या क्या नए नए फीचर्स दिए हमको इसी नए नए आईकू 12 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर, लेकिन आपको बता दूं कि बॉक्स में अंदर जाएं उससे पहले लेट्स यू नो एक बार हैव अ लुक कि आखिर इस फोन में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेगमेंट या फिर इनफैक्ट इंडस्ट्री फर्स्ट हैं, और लिस्ट बहुत लंबी है। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। दोस्तों ये जो फोन है ये है स्लिमेस्ट फ्लैगशिप एट जस्ट 8.1 mm। उसके अलावा इनफैक्ट ये है इंडिया का पहला फोन जिसमें है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। इनफैक्ट साथ में सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 भी है, और फिर हमारे पास में एक लार्जेस्ट 6K वेपर चेंबर, और उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो भी है इंडिया का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले 3000 nits के साथ में। इनफैक्ट साथ में हमारे पास में मिलता है पहली बार इस सेगमेंट में 64 megapixels का 3x पेरिस्कोप कैमरा, साथ में है पहली बार इन द सेगमेंट टेलीफोटो मैक्रो का ऑप्शन, हैंड हेल्ड एस्ट्रो मोड भी। अगर इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं पिक्सल फोन्स के अलावा, तो दिस इज द फर्स्ट फोन टू कम विद एंड्रॉइड 14। गाइस जल्दी से अनबॉक्स करते हैं इस फोन को, और इनफैक्ट हमारे पास में इसका लेजेंड वाला ऑप्शन है, और ये है BMW मोटरस्पोर्ट वाला एडिशन। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास में रखा है ये आईकू 12। फील्स मतलब ऑफ कोर्स पावरफुल, ये कोई फीलिंग नहीं है, ये मेरे को पता है कि फोन पावरफुल है। साथ में अगर हम बात करते हैं बॉक्स में नीचे, तो वी हैव दिस कार्ड क्लियरली शोइंग द ग्लिम्स ऑफ परफॉर्मेंस जो कि इस फोन में मिलने वाली है। यहाँ पे है सिम ट्रे टूल, नीचे हमारे पास में ये केस है बेसिक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फोन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इधर है हमारे पास में एक USB-C to USB-C केबल, और फिर बहुत अच्छी बात कि हमारे पास में एक 120 वॉट्स का चार्जर है जो कि फोन को बहुत तेजी रिचार्ज कर देगा, और ये भी आता है USB-C पोर्ट के साथ में। अगर हम अगर बात करते हैं यहाँ पे फोन की ना, आप देखो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से, और फिर हम बात करते हैं इसी फोन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और इन हैंड फील के बारे में, और देखो पहली बात तो ये कि जो फोन है ये काफी आपको स्लीक फील होता है, मतलब बॉक्सी डिजाइन है बट फिर भी काफी स्लिम फील होता है बिकॉज इट इज जस्ट 8.1 mm, और जो इनफैक्ट इसका वेट है वो भी केवल 203 ग्राम का है, तो आपको ज्यादा हैवी भी फील नहीं होने वाला है। और इनफैक्ट पीछे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो लेजेंड वाला कलर ऑप्शन है जहां पे आपको पूरा इनामल वाली फिनिश मिलती है, व्हाइट कलर में बहुत सही लग रहा है विद दिस आइकॉनिक BMW लोगो। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए उसके लिए आपके पास में एक ब्लैक कलर का वर्जन भी, इसको अल्फा नाम देता है आईकू। और ओवरऑल मतलब ये जो फोन है विद यू नो मेटल फ्रेम आपको मिल रहा है प्रॉपर, आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, पीछे कैमरा असेंबली काफी यूनिक लग रही है, जहां पे जो एजेस हैं दे लुक लाइक अ प्रीमियम वॉच जैसा पूरा डिजाइन रखा है। तो मेरे ख्याल से डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब देयर इज नो डाउट दिस फोन फील्स गुड। अंदर जो परफॉर्मेंस है इट्स इवन बेटर, और अंदर हमारे पास में क्या है दोस्तों इस फोन में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। मतलब आपको पता है कि ये प्रोसेसर कितना ज्यादा पावरफुल है, और उसके अलावा आईकू को लगा कि ना 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 देखो एक से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अपनी खुद की एक सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 को भी इसमें लगा दिया है। और अगर आप गेम्स वगैरह खेलने वाले हो तो मतलब वो चिप जो है वो इंटेलिजेंटली बहुत सारे काम करने वाली है, और आपको जो पूरी परफॉर्मेंस मिलने वाली है ना वो बहुत अच्छी होगी। एंड्रॉइड स्कोर जो है वो मतलब 21 लाख से भी ज्यादा है, और हमारे पास पे दो अलग अलग ऑप्शंस हैं 12GB या फिर 16GB रैम के साथ में, और स्टोरेज जो है वो भी दो अलग अलग वेरिएंट्स में आती है जहां पे 256 या फिर 512GB के हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे गेमिंग की, तो मतलब भाई जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि BGMI के अंदर आपको नेटिव 90fps का सपोर्ट मिल रहा है। COD वगैरह अगर आप खेल रहे हैं तो मतलब बहुत मजा आने वाला है, इनफैक्ट आपको लंबे टाइम तक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी बिकॉज ऑफ द वेपर चेंबर जो कि बहुत बड़ा है साइज में। तो ओवरऑल अगर आप सब चीजों को पैक कर लेते हो ना, तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में देयर इज नो डाउट कि आपको जो एक्सपीरियंस इस फोन में मिलेगा वो एकदम बेस्ट होने वाला है, स्पेशली गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नो इनफैक्ट जो एक्सपीरियंस है वो और लंबे टाइम तक भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास में इसमें जो बैटरी है मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि 203 ग्राम के वेट में और इतने स्लीक डिजाइन में आईकू ने स्टिल एक बड़ी बैटरी को पैक किया है जो कि है 5000 mAh की, और 120 वॉट्स की चार्जिंग का पूरा वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आई एम श्योर आपको बैकअप भी बहुत अच्छा मिलेगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि 8 Gen 3 जो है वो भी और ज्यादा एफिशियंट भी हो गया है।
और गाइज एफिशिएंट से याद आता है मेरे को इसका ये स्क्रीन, जो कि एफिशिएंट तो है ही बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको जो LTPO टेक्नोलॉजी मिलती है, जहाँ पे ये स्क्रीन एज लो एज 1 Hz तक पहुँच जाता है बट एज हाई एज 3000 nits तक भी चला जाता है, बिकॉज जो पीक ब्राइटनेस आपको पता है 3000 nits की है। और ये जो स्क्रीन है ये हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है आईकू ने, जो कि 6.7 inches का एक 144 Hz वाला LTPO AMOLED पैनल है। यहाँ पे जो आपको बेजल्स मिल रही है ना, मतलब इफ यू जस्ट हैव अ लुक, ये आपको इंडस्ट्री में स्लिमेस्ट मिल रही है, आपको एकदम यूनिफॉर्म बेजल्स हैं और वो भी आपको काफ़ी मतलब यू नो बहुत ज़्यादा आपको एक स्लिम पूरा मिल रहा है चारों तरफ स्क्रीन के बेजल्स का सीन, जो कि बहुत प्रीमियम आपको फील होता है। और फिर अगर आपकी उंगलियां गीली हैं तो वेट टच भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको अर्जेंटली कॉल पिक करना है, कई बार ना हाथों में पानी लगा होता है तो कॉल आप उठा नहीं पाते हो टच स्क्रीन पे, या कई बार काटना होता है और गलती से कॉल उठ जाता है, ये हम सबके साथ में हुआ है, तो यहाँ पे एटलीस्ट कॉल्स अगर आप कर रहे हो, अगर आपको कैमरा ऑपरेट करना है, गेम वगैरह खेल रहे हो गीली उंगलियों से कई बार पसीना आ जाता है, तो ये स्क्रीन में आपको वो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इनफैक्ट वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट रेंजिंग वाला ग्लास, तो मतलब आई मीन इट्स स्टडी एज वेल। अब दोस्तों एक चीज जहां पे मैं तारीफ करूंगा आईकू की वो है इस फोन के कैमरा के बारे में, बिकॉज यहां पे काफी इंप्रूवमेंट्स हो गए और अभी ऐसा लगता है कि ये जो फोन है इट बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज, बिकॉज देखो परफॉर्मेंस हमको पता है आईकू की हमेशा से अच्छी रहती थी, बट कैमरा को इस बार जो है वो आईकू एकदम नेक्स्ट लेवल ले गया। और हमारे पास में है पहली बार इंडिया में 50+50+64 megapixels का कैमरा सेटअप, और ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है बिकॉज जो मेन कैमरा है ये है 1/1.28 inches का एक काफी बड़ा सेंसर, और इसके अलावा फिर हमारे पास में 50 megapixels का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और अगर हम बात करते हैं पेरिस्कोप जूम वाले कैमरा की तो वो आता है 64 megapixels के साथ में, और यहाँ पे हमारे पास में 3x ऑप्टिकल जूम है, OIS भी है, और ये अप टू 100x तक जा सकता है डिजिटली। गाइज इस फोन में हैंड हेल्ड एस्ट्रो मोड है, इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड्स हैं मतलब बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, और साथ में काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं जो भी आप सारे सैंपल्स देख रहे हैं ये इसी फोन के कैमरा से हमने क्लिक किए हैं अक्रॉस सिनेरियोज, अक्रॉस यू नो मल्टीपल कैमराज, और जो रिजल्ट्स हैं मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं इस आईकू 12 स्मार्टफोन के, और इट क्लियरली शोज कि आईकू ने कैमरा डिपार्टमेंट में स्पेशली बहुत अच्छा काम किया है इस आईकू 12 के साथ में। फॉर फैक्ट अगर आपको सेल्फीज क्लिक करनी है तो यहाँ पे 16 megapixels का सेल्फी कैमरा है, इफ इन केस अगर आपको सेल्फीज को जो है वो एंजॉय करना होता है। बट देखो जो है जो मुझे लगता है गाइस आप एक और चीज जो करेंगे वो है इस फोन का सॉफ्टवेयर, एंड ये चीज करने के लिए ना मैं तारीफ करता हूं क्योंकि बिकॉज आपको पता है फोन्स के अंदर पहले जो होता था वो हॉट ऐप्स हॉट गेम्स वगैरह, और हम सभी ने ना काफ़ी बार बोला है कि मतलब उसकी क्या ज़रूरत है यार, फोन का एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा रहता नहीं है। तो यहां पे आई एम ग्लैड टू से कि जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल रहा है इट इज वेरी क्लीन, तो मतलब यू नो अच्छा लगता है आप इस फोन को जब यूज करोगे तो आपको फील होता है कि येस यू आर यूजिंग अ प्रीमियम स्मार्टफोन। ये फिलहाल एंड्रॉयड 14 पे चलता है, हमारे पास में यहाँ पे फंटच ओएस 14 है, और यहाँ पे 3 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स का मजा उठा पाएंगे, 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का मजा उठा पाएंगे, और इनफैक्ट अगर कोई प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी ऐप है तो उसको आप क्लियरली अनइंस्टॉल कर सकते हो, और वो हॉट ऐप्स हॉट गेम्स तो फॉर दैट मैटर है ही नहीं, तो द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आई बिलीव इज रियली इंप्रूव्ड, और ये आपको आईकू 12 में 114 तक मिलता है अगर फोन, तो मुझे लगता है कि अच्छी स्टार्ट है, और 15, 16, 17 वो इस फोन में खैर वैसे मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ब्लूटूथ 5.4 है या वाईफाई 7 हमको इसे मिल जाता है, IP64 ये फोन रेटेड है, और इसके अलावा UI पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको स्मूथ एनिमेशन मिल रहे हैं, कुछ नए काइनेटिक वॉलपेपर्स वगैरह आ गए हैं, मतलब ओवरऑल अगर आप कंबाइन कर लें चीज़ों को तो मुझे लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइन टू दिस अमेजिंग डिस्प्ले, मतलब 3000 nits की ब्राइटनेस एक अलग लेवल पे ये फोन को लेके जा रहा है, परफॉर्मेंस तो मतलब वो डाउट हमको अभी है ही नहीं आईकू से, और कैमरा इस बार जैसे इंप्रूव हो गया है, सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स हो गए हैं, तो आई बिलीव कि ये फोन काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो इस फोन को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इस फोन की प्राइस आई वुड से, बिकॉज 8th Gen 3 के साथ में जो पहला फोन आ रहा है इंडिया में इट इज़ प्राइज्ड अंडर 50,000 rupees। 12+256 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 49,999, और फिर है 16+512, और जो आपको मिलती है इफेक्टिव प्राइस वो है 54,999। तो ये है नया नया आईकू 12। आप बताओ कि आज जब ये फोन लॉन्च हो गया है 12 लॉन्च्ड ऑन 12 जल्दी मार्केट में आएगा, और आपका क्या कहना है इस फोन के बारे में, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में फोन्स कहाँ जाके रुकेंगे यार, बिकॉज अभी इतने पावरफुल हो गए हैं तो पता नहीं आगे और कितनी परफॉर्मेंस फोन्स में आने वाली है, बट ये है इस फोन के बारे में डिटेल्स। आप बताइए क्या है मन की बातें नीचे कॉमेंट करते हुए, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।